नमस्कार बच्चों बच्चों आज मैं 10th क्लास का टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो टॉपिक है आपका 6 नंबर का आएगा, जिसमें दो क्वेश्चन एक एक नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन आएगा हमारा 4 नंबर का। तो देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होती है। इट इज ए सीरीज इन विच ईच एंड एवरी टर्म आर ऑब्टेंड बाई एडिंग फिक्स्ड वैल्यू इन प्रीवियस टर्म एक्सेप्ट इट्स फर्स्ट टर्म। क्या कहा यहाँ पर, ये एक सीरीज है जिसमें जिसमें प्रत्येक टर्म ऑब्टेंड होती है एड इन फिक्स्ड वैल्यू इन प्रीवियस टर्म। क्या कहा, इसकी जो प्रत्येक टर्म हमें प्राप्त होगी, जो पहली वाली टर्म में कोई फिक्स्ड वैल्यू ऐड करने से, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ के। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैंने एग्जाम्पल लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... अब जरा देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, एक सीरीज ली मैंने 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो जरा देखिए, ये हमारे टू फर्स्ट टर्म है, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म में मैंने कोई वैल्यू ऐड की ताकि 4 आए, मतलब फर्स्ट टर्म में मैंने 2 ऐड किया तो 4 आया, 4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 2 ऐड किया 8, एंड 8 में 2 ऐड किया 10, 10 में 2 ऐड किया 12, और इसी प्रकार ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी टू इन्फिनिटी तक। कोई और दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने लिया 3, 5, 7, 9, 11 ... अब जरा देखिए, ये जो सीरीज ली 3, 5, 7, 9, 11, फर्स्ट टर्म हमारी 3, 3 में 2 ऐड किया 5, 5 में 2 ऐड किया 7, 7 में 2 ऐड किया 9, 9 में 2 ऐड किया 11। मीन्स सभी टर्म्स में एक फिक्स वैल्यू ऐड की गई और वो फिक्स वैल्यू है 2, जिसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। देन आफ्टर, अब जरा देखिए, इसमें जितने भी ये नंबर्स हैं वो सभी इसके टर्म्स कहलाएंगे। जैसे 3, 3 को हम फर्स्ट टर्म कहेंगे और फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं 1 के द्वारा। 5, 5 हमारी सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म को डिनोट करें ए प्लस डी। इसी प्रकार 7 थर्ड टर्म है और थर्ड टर्म को डिनोट करेंगे ए प्लस 2D। 9, 9 है हमारी फोर्थ टर्म और इसको डिनोट करेंगे ए प्लस 3D। इसी प्रकार 11, 11 हमारी फिफ्थ टर्म और इसको डिनोट करते हैं ए प्लस 4D। इसी प्रकार ये कंटिन्यू चलेगा। तो एक जो जर्नल फॉर्म होगी हमारी AP की, वो होगी ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2D कोमा ए प्लस 3D ... और लास्ट होगा AN बोले तो लास्ट टर्म। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे, जो गिवन सीरीज है वो एक AP में है या नहीं, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है या नहीं। जैसे एग्जांपल लिया मैंने 1, 4, 7, 10, 13 ... अब जरा देखिए, सबसे पहले फर्स्ट जो टर्म है उसको A बोलेंगे, सेकंड टर्म को A प्लस D। इन सभी में से यदि हमारा डिफरेंस बराबर है तो हम कह सकते हैं ये AP में है, अदरवाइज नहीं। देखिए, मैंने D निकाला, D होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड टर्म हमारी 4, फर्स्ट टर्म है हमारी 1, डिफरेंस आ गया 3, इसको बोलूँगा D1। देन आफ्टर D2, सभी टर्म्स का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, A3 - A2, A3 हमारा 7 एंड A2 है हमारा 4, यहाँ भी आया हमारा 3। अब हम D3 फाइंड आउट करेंगे, D3 होगा A4 - A3, A4 मतलब फोर्थ टर्म है हमारी 10 माइनस थर्ड टर्म है 7, यहाँ भी 3 आ गया। देन आफ्टर D4 है हमारा, D4 मीन्स A5 - A4, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म 13,
फर्स्ट टर्म है 10, सबट्रैक्ट क्या 3। देखिए यहाँ जो हमारा डिफरेंस आया, ऑल कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो गिवन सीरीज, गिवन सीरीज, गिवन सीरीज आर इन एपी। कोई दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने 2, 3, 5, 7, 10 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें देखिए मैंने D1 निकाला, जो D1 होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब A2 माइनस A1 किसकी इक्वल होगा, सेकेंड टर्म हमारी 3, फर्स्ट टर्म है 2, 3 में से 2 सब ट्रैक किया 1 आया। इसी प्रकार D2 निकाला, A3 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दैट इज 5 माइनस 3 इज इक्वल 2। अब यहाँ देखिए जो D1 है वो D2 के इक्वल नहीं है, D1 नॉट इक्वल D2, तो कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, सो गिवन सीरीज आर नॉट इन AP। तो हम कह सकते हैं कि जो सीरीज दी हुई है वो AP में नहीं है। अब हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। क्या क्या जो ये सिचुएशन दी हुई है लिस्ट ऑफ नंबर, वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है या नहीं, एंड बना रही है तो क्यों। फर्स्ट पार्ट देखिए, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्या कहा, यहाँ एक कंडीशन दे दी, एक टैक्सी फेयर दिया हुआ है, वो फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपीज़ दिया हुआ है एंड एडिशनल किलोमीटर प्रत्येक आगे प्रत्येक किलोमीटर का दिया हुआ 8 रुपये। तो ये बताने ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो मैंने लिखा द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर वो हो गया हमारा 15 रुपीज़। द टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर टैक्सी फेयर हो जाएगा 15 + 8, दैट इज 23 रुपीज। एंड द टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर टैक्सी फेयर होगा 23, 2 किलोमीटर का तो 23 रुपये हो गया और 1 किलोमीटर 8 और जुड़ जाएगा और ये हो गया हमारा 31 रुपीज। इसी प्रकार 4 किलोमीटर का उसमें 8 जोड़ दें, 5 किलोमीटर फिर उसमें 8 जोड़ दें, तो ये अब ये यहाँ पर हमारी सीरीज आ गई 15, 23, 31 डॉट डॉट। अब हमें ये बतानी ये AP में है या नहीं। तो देखिए फर्स्ट टर्म हमारी 15, सेकेंड टर्म हमारी 23। तो मैं सबसे पहले D1 निकालूंगा, A2 माइनस A1 दैट इज 23 माइनस 15 दैट इज 8। इसी प्रकार D2 निकाला, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है 31 और माइनस सेकेंड टर्म हमारी 23, यहाँ भी 8 आ गया। बोथ कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, क्या लिख सकते हैं, बोथ कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो गिविन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन AP। देन आफ्टर इसका सेकेंड पार्ट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव
1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। क्या कहा, एक सिलेंडर है जिसमें एयर प्रेजेंट है और उसको एक वैक्यूम पंप के द्वारा उसकी एयर रिमूव की जा रही है। तो फर्स्ट टाइम वैक्यूम पंप से उस जितनी एयर उसमें प्रेजेंट है उसका 1/4 एयर रिमूव हो रही है एक टाइम में। फिर देन आफ्टर जितनी एयर बची फिर वैक्यूम पंप से उसका 1/4 एयर रिमूव की गई। तो इस प्रकार मैंने माना, लेट द एयर या द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर वो मान लिया मैंने 16 लीटर। एयर रिमूव की गई 16 का 1/4 वो आ गई हमारी 4 लीटर। रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर। अब जरा देखिए, सिलेंडर में 16 लीटर हवा थी, एयर रिमूव की गई 4 लीटर, अब कितनी बची 16 - 4 दैट इज 12 लीटर। दोबारा एयर रिमूव की, अगेन एयर रिमूव 12 × 1/4 दैट इज 3 लीटर। रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर वो होगा 12 - 3 दैट इज 9 लीटर। अब हम ये चेक करेंगे ये एपी में है या सीरीज आई हमारी 16, 12, 9. अब जरा देखिए, सबसे पहले मैंने D1 निकाला, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट की, 12 - 16 वो आ गया हमारा -4। देन आफ्टर D2 निकाला, 9 - 12 ये आ गया हमारा -3। तो यहाँ पर जो D1 है नॉट इक्वल है D2, तो हम कह सकते हैं सो गिविन सीरीज या गिविन लिस्ट ऑफ नंबर आर नॉट इन AP। देन आफ्टर थर्ड पार्ट द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर। क्या कहा, एक कुएं को खोदा गया, उसकी कॉस्ट ऑफ डिगिंग खुदाई की जो रेट है वो दिया हुआ है, वो एवरी मीटर, एक मीटर की जो कॉस्ट होगी वो 150 रुपीज होगी एंड अराइज बाई 50 रुपीज फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर। अब आगे क्या कहा, आगे प्रत्येक मीटर का 50 रुपये और कॉस्ट होगी। तो आप जरा देखिए, मैंने लिखा द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर एक मीटर जो है वो डिगिंग की गई ऑफ ए वेल फॉर फर्स्ट मीटर वो हो गया 150 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर 2 मीटर 2 मीटर कॉस्ट क्या होगी 150 + 50 ये हो गया हमारा 200 रुपीज। इसी प्रकार 3 मीटर की क्या होगी कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर 3 मीटर वो हो गया 200 2 मीटर का 200 हो गया और एडिशनल हो गया 50 तो ये हो गया हमारे 250 रुपीज। अब ये सीरीज आ गई हमारी
150, 200, 250, आगे इसी पर कंटिन्यू चलेगा। तो हमें ये चेक करना है ये एपी में है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले मैंने डी वन निकाला, डी वन होगा ए टू माइनस ए वन, मीन्स 200 माइनस 150 दैट इज 50। इसी प्रकार डी टू, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है 250 माइनस सेकेंड टर्म 200 दैट इज 50। इस प्रकार जो डी वन एंड डी टू बोथ कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो गिविन नंबर ऑफ सीरीज या गिविन लिस्ट ऑफ नंबर आर इन ए पी। देन आफ्टर फोर्थ पार्ट द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर वैन 10,000 rupees इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। क्या कहा, एक अकाउंट में 10,000 rupees जमा करवाए गए जिसमें प्रत्येक साल का अमाउंट बताना में 8% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट लगे और वो भी कंपाउंडेड। तो देखिए मैंने लिखा अमाउंट या प्रिंसिपल हो गया हमारा 10,000 rupees, रेट है हमारा 8%, तो यहाँ से हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 10,000 × 8/100 rupees। तो यहाँ से अमाउंट आया अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा या आफ्टर फर्स्ट ईयर अमाउंट एक साल के बाद अमाउंट होगा 10,000 + 800 दैट इज 10,800 rupees। देन आफ्टर अब ये जो होगा एक साल के बाद जो अमाउंट आया वो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड साल का प्रिंसिपल होगा 10,800 rupees, रेट वही रहेगा, तो इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 10,800 × 8/100 मल्टीप्लाई किया 8 × 8 = 64, 8 × 1 = 8, इंटरेस्ट आ गया 8 × 64। तो आफ्टर टू ईयर्स अमाउंट, दो साल के बाद अमाउंट 10,800 + 8/64 और ये हो जाएगा 4,6611, 11,664। देन आफ्टर ये जो होगा प्रिंसिपल हुआ फॉर थर्ड ईयर, तीसरे साल का ये क्या होगा प्रिंसिपल, और कितना हो गया ये 11,664 rupees। इसका इंटरेस्ट निकाला तो 11,664 × 8/100। अब 11,664 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आया उसको 100 से डिवाइड करेंगे। तो ज़रा देखिए ये हमारा इंटरेस्ट आ गया तीन साल, इस साल का तीसरे साल का जो इंटरेस्ट होगा 933 rupees 12 paise हो गए। तो ये अमाउंट हुआ आफ्टर थ्री ईयर्स अमाउंट 11,664 + 933.12, इनको ऐड किया डेसिमल 9 × 6 = 15 2 1, ये आ गया। इस प्रकार से जो नंबर ऑफ सीरीज बन गई हमारी सीरीज बनी 10,800 × 11,664 10,000 आ जाएगा इधर, एंड थर्ड है 12,597.12। ये नंबर ये सीरीज आ गई। अब ये चेक करना ये एपी में है या नहीं। तो ज़रा देखिए सबसे पहले मैंने डी वन निकाला, डी वन होगा
ए टू मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 10,800 माइनस 10,000, ये हो गया 800 रुपीज़। इसी प्रकार डे टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म 11,664 माइनस 10,800, ये हो गया हमारा, सब्ट्रैक किया तो 864 रुपीज़। इसी पर डी थ्री, अब डी थ्री निकालने की जरूरत नहीं है, यही आ गया हमारा डी वन नॉट इक्वल डी टू। तो हम कह सकते हैं लिस्ट ऑफ नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर्स आर नॉट इन एपी। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्वेश्चन राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी। क्या कहा, जो एपी है उसकी फर्स्ट फोर टर्म हमें लिखनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म दी हुई है एंड डिफरेंस आर, डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हमारी 10 है और डिफरेंस है हमारा 10। तो देखिए फर्स्ट टर्म हमारी होगी 10, सेकेंड जो टर्म होगी उसको लिखते हैं हम ए प्लस डी। सेकेंड टर्म मीन्स ए प्लस डी, ए आपका 10 और डी है आल्सो 10, तो हो गया हमारा 20। देन आफ्टर थर्ड टर्म, थर्ड टर्म को लिखेंगे ए प्लस टू डी, ए 10 है प्लस 2 इंटू डी, डी है आपका 10, तो हो गया 10 प्लस 20 दैट इज 30। देन आफ्टर फोर्थ टर्म ए प्लस 3D, ए हमारा 10 प्लस 3 इंटू डी है 10, तो ये 10 प्लस 30 दैट इज 40। इस प्रकार फोर टर्म आ गई हमारी, फर्स्ट फोर टर्म 10, 20, 30 एंड 40। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में ए दिया हुआ आपका माइनस का 2 एंड डी दिया हुआ आपका 0। तो अब देखिए हम इसकी फर्स्ट फोर टर्म निकालेंगे, फर्स्ट टर्म आपके माइनस का 2, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म को लिखेंगे हम ए प्लस डी मीन्स माइनस 2 प्लस 0 दैट इज माइनस 2। इसी प्रकार ए थ्री, ए प्लस 2D, ए हमारा माइनस का 2 है प्लस का 2, डी आपका 0, तो हो गया माइनस 2 प्लस 0 दैट इज माइनस का 2। इसी प्रकार फोर्थ टर्म ए प्लस 3D, ए हो गया हमारा माइनस का 2 प्लस 3 इंटू 0, तो हो गया माइनस 2 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू तो फर्स्ट फोर टर्म आ गई हमारी माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 एंड माइनस का 2। देन आफ्टर थर्ड पार्ट, जो थर्ड पार्ट है हमारा उसमें ए दिया हुआ हमारा 4 एंड डी दिया हुआ हमारा माइनस का 3। तो जरा देखिए फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 4, सेकेंड टर्म हो गया हमारी ए प्लस डी, ए हमारा 4 प्लस डी है माइनस का 3, तो हमारा आ गया 4 माइनस 3 दैट इज 1। इसी प्रकार थर्ड टर्म ए प्लस 2D, ए प्लस 2D, ए हमारा 4 प्लस 2 डी है माइनस का 3, तो हो गया 4 2 3 जा 6 माइनस का, तो आ गया हमारा माइनस का 2। देन आफ्टर ए 4 मतलब फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म होगी ए प्लस 3D, ए 4 है प्लस 3 डी है माइनस का 3, तो हो गया 4 माइनस 9 और ये आ जाएगा माइनस का 5। इस प्रकार हमारी फर्स्ट फोर्थ टर्म आ गई इस एपी की 4 1 माइनस 2 माइनस 5। देन आफ्टर इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में ए दिया हुआ आपका माइनस का 1 एंड डी दिया हुआ 1/2। तो देखिए फर्स्ट टर्म होगी हमारी माइनस का 1, सेकेंड टर्म होगी ए प्लस डी, ए हमारा माइनस का 1 एंड डी है हमारा 1/2। माइनस 1 में 1/2 ऐड किया तो एलसीएम आ गया 2, माइनस 2 प्लस का 1 दैट इज माइनस 1/2। देन आफ्टर थर्ड टर्म, थर्ड टर्म होगी हमारी
ए प्लस टू डी मीन्स ए माइनस वन फर्स्ट टर्म माइनस का वन प्लस टू इंटू डी ए वन बाई टू, टू से टू कट गया, माइनस वन प्लस का वन ये आ गया हमारा जीरो। इसी प्रकार जो फोर्थ टर्म होगी ए प्लस थ्री डी, ए माइनस का वन प्लस थ्री डी ए वन बाई टू आ गया हमारा माइनस वन प्लस थ्री बाई टू। एलसीएम लिया गया टू आ गया, माइनस का टू प्लस का थ्री आ गया हमारा वन बाई टू। तो हमारी फर्स्ट फोर्थ टर्म आ गई माइनस वन, देन आफ्टर माइनस का वन बाई टू जीरो एंड वन बाई टू। इसी प्रकार इसका फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखिए ए माइनस वन पॉइंट टू फाइव एंड डी दिया हुआ है माइनस का जीरो पॉइंट टू फाइव। तो देखिए फर्स्ट टर्म दी हुई हमारी माइनस का वन पॉइंट टू फाइव, हमें फर्स्ट फोर्थ टर्म निकालनी है। तो सेकेंड टर्म होगी ए प्लस डी, ए दैट इज माइनस वन पॉइंट टू फाइव प्लस डी है माइनस का जीरो पॉइंट टू फाइव। तो ये हो गया माइनस का 1.25 माइनस का 0.25, इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 1.50 आएगा। इसी प्रकार थर्ड टर्म, थर्ड टर्म होगी a प्लस टू डी, ए माइनस का 1.25 प्लस टू इंटू डी हमारा माइनस का 0.25। तो देखिए माइनस का 1.25 प्लस के टू को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का आएगा 0.50 और इनको आपस में सब ऐड किया माइनस माइनस में तो माइनस का 1.75 आ गया। देन आफ्टर फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी, ए हमारा माइनस का 1.25 प्लस थ्री, डी हमारा जीरो माइनस का 0.25 और ये हो गया माइनस का 1.25 माइनस का 0.75। इनको ऐड किया तो रिजल्ट आ गया हमारा माइनस का 2.00। तो हमारी फर्स्ट फोर्थ टर्म आ गई माइनस का 1.25 माइनस का 1.50 माइनस का 1.75 एंड माइनस का आ गया 2।